हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा हम कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जल्दी से इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें 3 पार्ट है, 2 पार्ट आप पढ़ते हुए आए हैं, ये जो तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हालांकि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं अलग से, लेकिन हम बोलते हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ देते हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो फिर वो बन जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देन वी विल डिस्कस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर्स, दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, बेस्ड ऑन रजिस्टर, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन IIT, PMT, NEET एंड नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन फिजिक्स। इन सभी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज लेक्चर विल बी गोना वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए तो चालू करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना? हमारे पास में सबसे पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉन्सेप्ट अब 12th में आपको पता होने चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हर एक रजिस्टर में या हर एक एलिमेंट जो सीरीज में जुड़ा हुआ है उसमें सेम करंट फ्लो होती है। इस चीज को ध्यान में रखो, बस ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज कीजिए यहां पर 3 रजिस्टर हमें दिए हुए हैं ना, एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज एज यू कैन सी, एंड देयर इज अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन टू द सर्किट। द सेम करंट विल फ्लो थ्रू रजिस्टर R1, थ्रू रजिस्टर R2 एंड थ्रू रजिस्टर R3। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? यही करंट इससे फ्लो होगा, यही करंट इससे फ्लो होगा, यही करंट इससे फ्लो होगा। करंट सेम है, लेकिन सभी पे अगर हम वोल्ट मीटर लगाते पैरेलल में, है ना, पैरेलल में अगर वोल्ट मीटर को लगाते सभी के लिए, तो वोल्ट मीटर अलग अलग वैल्यू को मेजर करता। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1, अक्रॉस R2 इज V2 एंड अक्रॉस R3 इज V3 रेस्पेक्टिवली। ये बात ध्यान रखें, सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग है लेकिन करंट सेम फ्लो होगी। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्या होना चाहिए? तो हमारा फिर कॉन्सेप्ट ये बैठना चाहिए कि अगर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है ना, सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस रजिस्टर शुड बी इक्वलेंट टू द बैटरी, है ना, द पोटेंशियल ऑफ बैटरी और द EMF ऑफ बैटरी। ठीक, तो हमने कितना मान रखा है? V मान रखा है इसके पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे ये पोटेंशियल गया किसके पास में? इन तीनों के पास में तो गया, और किसके पास में जाएगा? ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I into R। व्हाट इज I? द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। व्हाट इज R? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालते तो वो R आता है, जिसे हम R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। नॉर्मली इसे RS से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट विल बी V1? ओम्स लॉ यूज करो, IR, दैट इज I, रेजिस्टेंस इज R1, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। कॉमन क्या लोगे? I को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज IR इक्विवेलेंट। I से I कैंसिल, व्हाट इज R इक्विवेलेंट? दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन क्या आता है, सीरीज में दिया हुआ होगा और बोलेगा कि भैया V1 कैलकुलेट करो, V2 कैलकुलेट करो और V3 कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, व्हाट इज V1? IR1, ये यहां पर ही है आंसर, हमने IR1 पहले निकाल दिया। व्हाट इज I? सर्किट में दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दैट विल बी टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप I को कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट किया I और फिर मल्टीप्लाई करते रहो, V इज इक्वल टू IR1। अब बुक्स में या फिर आपको कोई भी वीडियो लेक्चर दे बोलते हो तो बोलते हो V1 का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। व्हाट इज शॉर्ट ट्रिक? V1 अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करें, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इनटू R1 कर दीजिए। अदरवाइज इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, क्या? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू जो बैटरी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, बैटरी आपको पता है, R1 जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है और तीनों को ऐड करना है, ये शॉर्ट ट्रिक होगी। अरे शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, फॉर्मूला तो यही था, इससे अच्छा आई निकाल लो। ठीक है, आई निकाल लो, सभी का काम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बात एक तरीके से ही आना है बच्चों, ये बात ध्यान रखो। अगर R2 के अक्रॉस निकाल दे तो यहाँ R2 लग देना, अगर R3 के अक्रॉस निकालोगे तो यहाँ R3 लग दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद में इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है, ये तो तीन ही रजिस्टर है, अगर ज्यादा रजिस्टर जुड़े हुए होते, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन रजिस्टर्स, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए होंगे, तो फिर आर इक्वलेंट क्या होगा, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, जितने भी आपने जोड़ने हैं उन सभी को ऐड कर दीजिए। इफ ऑल आर हैव सेम मैग्नीट्यूड, इफ ऑल आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और ऑल आर सेम, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे तो R इक्वलेंट क्या होगा, आंसर है R प्लस R प्लस R प्लस R, सभी को जोड़ना है। ठीक है, वो क्या होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 जितने भी हैं, तो आपने कितने को जोड़ा, N को जोड़ा, तो वैल्यू विल बी एन आर, ऐसा ही आएगा। अरे दो को जोड़ो 2R, तीन को जोड़ो 3R, फोर को ऐड करोगे 4R, यही आएगा ना। ठीक है, सो द वैल्यू विल बी एन आर, डन हो गया। दैट इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, इतना ही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है, जल्दी से काम करो, नेक्स्ट काम करना अभी बाकी है। ठीक, जल्दी से इसे उतारो, जल्दी से इसे उतारो, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। डन, स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, चलिए नेक्स्ट काम करते हैं। किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सीरीज तो सिंपल लगता है क्योंकि रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर से इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। तो एक बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो आपके सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए टॉपिक है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको जो दिमाग में डायग्राम चलता है वो यही चलता है, दिमाग में यही डायग्राम चलेगा, सभी के यही डायग्राम चलेगा, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, ये V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो लेट सपोज कीजिए यहां से जो V जा रहा है वो यहां पर V1 मान लिया और यहां पर अपन ने क्या मान लिया, V2 मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज पॉइंट A एंड B, इसे A पॉइंट लिख देते हैं, इसे B पॉइंट लिख देते हैं, दैट इज V1 माइनस V2, वो क्या है, V1 माइनस V2, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ये सारे कनेक्टेड है, ये सारे। तो किसी भी सर्किट में XYZ अगर कोई भी खतरनाक से खतरनाक सर्किट आ जाए, उसमें आप ये देखिए कि अगर दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिखे, एक तरफ V1 और एक तरफ V2 है, ठीक है, इनके बीच में सर्किट में छाट लो कि V1 और V2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और उन सभी को पैरेलल में डाल देना, उन सभी को पैरेलल में डाल देना, पैरेलल में डाल करके सॉल्व करना। ठीक है, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर R1 के अक्रॉस देखूं तो मैं लिखूंगा V1 माइनस V2, R2 के अक्रॉस देखूंगा तो मैं लिखूंगा V1 माइनस V2, और R3 के अक्रॉस भी लिखूंगा तो V1 माइनस V2 लिखूंगा। एंड व्हाट इज V1 माइनस V2, दिस वन, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, जो अप्लाइड पोटेंशियल है। ठीक है, इस केस में तो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के अंदर अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर नहीं होता, या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होता, तो उस केस में आपको पॉइंट दो ले लेने हैं, या जितने भी पॉइंट है उन सभी के ऊपर पोटेंशियल लिख दो, इस वाले पे V1, इस वाले पे V2, इस वाले पे V3, इस वाले पे V4,
और फिर देखो V1 और V2 के बीच में कितने ऐड हो रहे हैं, कितने लग रहे हैं, उन सभी को पैरेलल में डालो। फिर V2 और V3 के बीच में देखो कितने लग रहे हैं, फिर V3 और V4 के बीच में देखो कितने लग रहे हैं, सभी को क्या कर दो बच्चों, पैरेलल में डालो। और फिर एक आपके पास में एक लीनियर सर्किट बन जाएगा और वो बहुत सिंपल होगा, नो डाउट वो बहुत सिंपल होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हुआ। चलो इस डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ये तो सिंपल से ही सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। फिर मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, उससे आपको लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है हमारे लिए। देखो क्या होता है, सभी में करंट अलग अलग फ्लो होगी, सभी में, और ये डिपेंड करता है कि करंट किससे ज़्यादा फ्लो होगी, किससे कम फ्लो होगी। ये नॉर्मली कैसे देखा जाता है, तो हम बोलते हैं फ्लूड का जो मोशन होता है ना, वहाँ से उठाओ आप। आप सभी को पता है जो पाइपलाइन सबसे नीचे की ओर होती है, पानी या वाटर या एनी काइंड ऑफ फ्लूड विल मोस्टली पास थ्रू दैट पर्टिकुलर पाइपलाइन, उसी पाइपलाइन से गुजरेगा। जो ऊपर की होती है उससे जल्दी से नहीं गुजरेगा, उसके लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके गुजरेगा। ठीक, ऐसा ही यहां पर है, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वहां से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इन तीनों का अगर रेजिस्टेंस हम ये माने, इसका 4 ओम है, इसका 5 ओम है, इसका 6 ओम है, और क्वेश्चन ये आया कि सबसे ज्यादा करंट किससे पास होगी, आंसर है 4 ओम वाले से। क्यों? क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस ये था, इसलिए करंट इससे सबसे ज्यादा पास होगी। ठीक है, और क्या खास बात होती है इसमें? एक खास बात ये भी होती है कि जितने भी कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, उनमें से सबसे छोटा देख लो। जैसे अभी मैंने आपको बताया 4, 5 और 6, तो सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 4 ओम वाला है। तो जब आप इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट निकालेंगे बच्चों, दैट रिजल्टेंट विल बी लेस देन 4। वो रिजल्टेंट क्या होगा? लेस देन 4 होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, अभी पता चलेगा। चलो सॉल्व करते हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे। तो इसमें डिवाइड कौन हो रहा है? आंसर है करंट। इसमें टोटल करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई अकॉर्डिंग टू द सर्किट। तो हम यहां पर ये लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो अब काम करना चालू करो। I कहां से लिखोगे? तो V इज इक्वल्स टू IR होता है नहीं होता? सो I विल बी V डिवाइडेड बाय R, होगा नहीं होगा? होना चाहिए। चलिए I विल बी V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। व्हाट इज V? द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और R इक्विवेलेंट तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑफ द कॉम्बिनेशन। I1 क्या होगा? V डिवाइडेड बाय R1, ये होगा V डिवाइडेड बाय R2, और ये होगा V डिवाइडेड बाय R3। V को क्या लिया आपने? कॉमन लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इज V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ गया, सॉल्व करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो पूरे का एलसीएम लो, सॉल्व करो और फिर इनवर्स करो, फिर इनवर्स करो, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहे थे आप, हमें निकालना क्या है? आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो फिर क्या करो? इनवर्स करो। ठीक है, चलिए फॉर एन रजिस्टर्स क्या होगा एन रजिस्टर्स के लिए? तो हमने लिखा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं सभी को इसी तरीके से रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इफ ऑल आर सेम, अगर सारे के सारे क्या हो? सेम हो, तो क्या होगा? आंसर है 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 1/R। आएगा नहीं आएगा? देखिए क्या होगा, n/R आएगा क्या? मैथमेटिकली तो यही आना चाहिए। 2 को जोड़ो 2/R, 3 को ऐड करो 3/R, 5 को ऐड करोगे 5/R, तो n को ऐड करोगे तो n/R, है ना? सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय R, सो द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट विल बी R डिवाइडेड बाय n। बहुत कम हो जाएगा। लेट्स सपोज करो 10 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, देयर आर 10 रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ये भी 20 ओम का, ये भी 20 ओम का, ये भी 20 ओम का, और इसके नीचे जितने भी लगे हुए हैं सारे 20 ओम के, 10 रेजिस्टर्स 20 ओम के, सेम रेजिस्टर्स हो गए। कितने रेजिस्टर्स हैं? 10 रेजिस्टर्स हैं। तो n की वैल्यू कितनी? 10। एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी? 20 ओम। एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी? 20 ओम। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा?
टू ओम आएगा नहीं आएगा इससे सॉल्व करोगे तो। सोचो हमारा एक रेजिस्टेंस ही 20 ओम का था और कॉम्बिनेशन में लगाया तो 2 ओम का बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए यू शुड यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। डन है ये बात। चलिए इस चीज को उतारो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। जल्दी से इस चीज को उतारिए, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं वैसे काम कर लीजिए, है ना। हो गया डन। ऑल राइट ग्रेट। ये बात और ध्यान में रखना, अगर यहां पर भी पोटेंशियल V1 होता, यहां पर भी पोटेंशियल V1 होता तो करंट पास होती ही नहीं है ना, क्योंकि V इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं V1 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है इसका मतलब करंट पास होगी ही नहीं, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। तो हटा दो उस एलिमेंट को, हटा दो, ठीक है, उस एलिमेंट को हटा दो, वो यूजलेस है हमारे लिए सर्किट में, ठीक है, ओके। उसका लगना ना लगना बराबर है भाई, ये बात ध्यान में रखो। तो अगर दो रजिस्टर सेम पोटेंशियल के बीच में आ जाते हैं ना तो सर्किट से उन्हें हटा दो, रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। All right, great. अब एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम इसी से ही रिलेटेड, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाकई में बहुत ज्यादा है। एक सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऐसे तीन रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे। ये बहुत कॉमन सवाल है जो कि नॉर्मली हम टीचर्स करवाते ही करवाते हैं। ऐसे तीन रेजिस्टेंस हैं और तीनों के वैल्यू सेम, मान लीजिए ये 3 ओम का, ये 3 ओम का और 3 ओम का, ठीक है। ऐसे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस कितना भैया, 3 + 3 + 3 दैट इज 9 ओम हो गया। अगर आपको ऐसा बोले कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, सीरीज में था तो 9 ओम आएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर को ऐसा चेंज कर दिया, टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 निंग, अब बताओ। तो कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा वो अभी भी इतना ही लिखेंगे, 9 ओम ही लिखेंगे। हमें क्या करना है वो समझिए। तो हमने बोला कि पोटेंशियल देखो यहां पर है ना, तो यहां पर अपन ने मान लिया V1 है और इस वाले को अपन ने क्या मान लिया V2। आप अपने मन से XYZ भी मान लो, बस ध्यान में रखना कि आपको पॉइंट को देखना है। अगर ये V1 है तो ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ पॉइंट भी V1 ही होगा, और अगर ये V2 पोटेंशियल के ऊपर है तो ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ भी V2 होगा। अब देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कौन कौन से हैं, तो हमने बोला ये 3 ओम V1 और V2 के बीच में, ये 3 ओम V1 और V2 के बीच में, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V1 और V2 के बीच में ये 3 ओम भी है, V1 और V2 के बीच में ये 3 ओम भी है। मतलब 3 ओम के ये तीनों रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, तो ये कैसा देखा जाएगा बच्चों, पैरेलल में देखा जाएगा। कैसा देखेंगे हम इसे, पैरेलल में। इधर लिख दिया V1, इधर लिख दिया V2, पहली बार देखा तो 3 ओम, दूसरी बार देखा तो भी 3 ओम आ रहा है, तीसरी बार देखा तो भी 3 ओम आ रहा है, तीनों पैरेलल में है। बताओ भाई PQ, ये PQ का इतना सिंपल सर्किट बन गया, बना क्या होगा, हमने लिखा R इक्वलेंट विल बी R डिवाइडेड बाय N, क्योंकि सारे सेम थे, R की वैल्यू कितनी 3, N की वैल्यू कितनी 3 ही तो है, कितना आएगा 1 ओम। सिंपल, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बच्चों, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, आगे गए दो रेजिस्टेंस लगा दिए। ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, जो कि बहुत बार पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगती थी ना उनमें पूछे जाते थे, आजकल बोर्ड में इतने सवाल पूछ लेते हैं। बोर्ड पेपर अगर आप देखोगे तो अब ये सारे के सारे सवाल बोर्ड पेपर के बन गए हैं, बोर्ड पेपर में ऐसे सवाल पूछते हैं आजकल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, ये सारे के सारे आर है, सारे के सारे आर है।
अब आप देखेंगे तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, तो पहले तो जो प्योर कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने बोला इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे आर बाई एन का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, पैरेलल दिख रहा है ना, ये पैरेलल दिख रहा है तो हम बोलेंगे आर बाई एन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये आर बाई फोर होएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ये कितना होगा आर बाई टू आएगा, और इसको देखेंगे तो ये आर आएगा। तो अब तीन रेजिस्टेंस किस में जुड़ गए, किस में दिख रहे हैं, पी इधर है क्यू इधर है, किस में दिख रहे हैं आपको, देखो पहला रेजिस्टेंस आर, दूसरा रेजिस्टेंस आर बाई टू, तीसरा रेजिस्टेंस आर बाई फोर, और अब ये कौन से में आ गए, सीरीज में आ गए हैं। किस में आ गए हैं, सीरीज में। सीरीज में क्या करते हो भाई, क्या करते हो, ऐड ही तो करते हो, आर प्लस आर बाई टू प्लस आर बाई फोर। बताओ आएगा नहीं आएगा, आएगा होगा नहीं होगा, उतारो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन का पैटर्न और करवाता हूँ, उसके बाद में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन आईआईटी स्क्रीनिंग में नीट एग्जाम में वो सॉल्व करता है। इनको उतारो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लिया, चलो एक क्वेश्चन और कॉमन है इनमें, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि दो से तीन बार पूछा गया है, इवन टेंथ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों की नॉलेज को ये बहुत ज़्यादा परखता है। आप कह सकते हैं कि किसी ने कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा है, कॉन्सेप्ट को कितना डीपली क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या बोल रहा है, यहां पर ये रेजिस्टेंस माना उसने 4 ओम का, यहां पर 6 ओम का, यहां पर 8 ओम का मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि ऐसे दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस को मेजर करो, मतलब या तो आप ए बी चूज कर सकते हो, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हो, या आप बीसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हो, या आप एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस को चूज कर सकते हो, ये तीनों ही, ठीक है। और किन्हीं भी दो पॉइंट को आपको क्या करना है, चूज करना है और उनके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप गौर कीजिए, ए बी के अक्रॉस अगर मैं चूज करता हूं, ए और बी को मैं अगर ऐसा बोल देता हूं, ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है, ऐसा चूज करना है, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा, तो आपको पता चलेगा ये ऐसा एक पूरा का पूरा सीरीज है बच्चों, पूरा सीरीज है 8 प्लस 6, और ये एक आया और एक ये आया, ए से लेकर बी तक पहुंचने के दो पाथ हो गए, पहला पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, यही तो है, ठीक। तो हमने बोला इन दोनों को ऐड किया 14 आ जाएगा, इधर 4 ही आ रहा है, और दोनों किसमें है, पैरेलल के अंदर है, सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ऐसे ही आप बी और सी के अक्रॉस भी ले सकते थे, तो फिर क्या होता, 4 और 8 किस में आते, सीरीज में आते, इधर 12 मिलता आपको और इधर क्या मिलता, 6 मिलता, पैरेलल में सॉल्व करते, वापस से ए और सी के बीच में सॉल्व करते तो ए और सी के बीच में ये दोनों सीरीज में आते, तो इधर मिलता 10 और इधर मिलता 8, ठीक है, फिर वो दोनों पैरेलल में होते और सॉल्व होता, ठीक। क्वेश्चन क्या है, कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिए और किन पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे दो पॉइंट चूज करने हैं आपको जिनमें से एक के अक्रॉस चूज करोगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलेगा, दूसरे के अक्रॉस चूज करोगे तो मिनिमम। तो हमने हमारा दिमाग लगाया कि पैरेलल तो बनेगा, ठीक है, पैरेलल बनेगा तो पैरेलल की क्या खास बात है, लेट्स सपोज करो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, ये 3 है, ये 4 लिख दिया अपन ने, ठीक है, ऐसा अपन ने कर दिया, और ये तीनों अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस ही आएगा, और क्या आएगा, 2 से भी कम आएगा, लेस देन 2 आएगा, ठीक है, यही तो है। तो हम ऐसा चूज करेंगे कि उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक मिनिमम अगर रेजिस्टेंस ले लिया, पूरे सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस ले लिया, तो हम बोलेंगे कि पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब किससे है, जो सबसे मिनिमम है उससे मतलब है, उसको अगर मैंने पकड़ लिया और उसके अक्रॉस अगर मैंने रेजिस्टेंस को मेजर किया तो फिर मेरे को मिनिमम ही मिलेगा,
तो फिर रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा? मिनिमम ही मिलेगा, इक्विवेलेंट निकाल के देख लेना। तो अगर हम ए और बी को चूज कर लेते हैं, यहां से किसको चूज कर लेते हैं? ए और बी को चूज कर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 4 ओम ही है इस पूरे वाले में, ठीक। तो क्या होगा बच्चों, देखेंगे आप कि यहां पे 4 ओम होगा और इसके पैरेलल में 6+8 दैट इज 14 ओम होगा। सॉल्यूशन करोगे तो आंसर किससे कम आएगा? लेस देन 4 ओम आएगा। इसका सॉल्यूशन करोगे तो आर इक्विवेलेंट एबी के अक्रॉस क्या आएगा? लेस देन 4 ओम आएगा। ये तो क्लियर है, ये तो कॉन्सेप्ट ही कह रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर 6 ओम के आंसर 4 ओम वाला ही आएगा, देखना। अगर आप 6 ओम को पकड़ लेते तो क्या होता? तो आप देखते कि यहां पर होता ये दोनों, कितना हो गया 12 और यहां हो गया 6। तो एक तरफ तो आ रहा है 6 ओम और एक तरफ आ रहा है 12 ओम, और ये आपने किससे लिया था? बी और सी से लिया था। अब इस केस में अगर आप रेजिस्टेंस चूज करते बीसी के अक्रॉस तो आपको मिलता लेस देन 6 ओम, ठीक है। और अगर फाइनल में चूज करता ए और सी के अक्रॉस तो फिर मेरे को क्या मिलता? क्या मिलता बताओ जल्दी से? हाँ, यहां पे 8 ओम है और यहां पर 10 ओम है, मिनिमम रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो अगर आर ए सी को चूज करते तो दैट शुड बी लेस देन 8 ओम। बताओ भाई मिनिमम रेजिस्टेंस किससे मिला? इससे ही मिला ना। तो आपको क्या देखना है उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर? मिनिमम रेजिस्टेंस को देखना है। मिनिमम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप चले जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस भी मिनिमम ही मिलेगा। तो हमने बोला ए बी को अगर चूज करेंगे तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम के ऊपर जाना है तो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस चूज करो इस तरीके के सर्किट में, सबसे बड़ा वाला। उसके अक्रॉस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे यहां पे लेस देन 8 मिल रहा है, यहां पे लेस देन 6, यहां पे लेस देन 4। तो सबसे ज्यादा तो लेस देन 8 ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ऑल एंड ऑलमोस्ट नियर अबाउट 8 आएगा, है ना, लेस देन 8, मोर देन 7 एंड लेस देन 8, कुछ ऐसा निकलेगा ये आसपास में, ठीक। तो हम बोलेंगे कि अगर ए और सी को हम पकड़ लेते तो हमें इस सर्किट में कैसा रेजिस्टेंस मिलता? मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता। बात समझ में आ गई, ठीक। इस तरीके के सवाल है हमारे पास में, हम करेंगे, ठीक। आप बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर करंट भी निकालेंगे, करंट कितना होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। इसका एक बार के लिए चलो इसको छोड़ दूं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी देखते हैं इसको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन की ही स्लाइड दिखाई देगी और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। सवाल बहुत सिंपल है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो ए बी के अक्रॉस अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मेरे को एक तो करंट पता होना चाहिए जो ए बी से पास हो, तो मेरे को पता चल रहा है करंट इतना है, ठीक है। दूसरा, मेरे को ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। तो हमने वही काम किया, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल पड़ेगा। क्या होगा बच्चों, 20 और 30 हो जाएगा, 50 ओम यहां पर है और 25 ओम यहां पर है, दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो आपके पास में रहा कुछ ऐसा बच्चों, 25 ओम इज जस्ट पैरेलल टू 50 ओम, यही हुआ। सॉल्व करो, आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। तो हमने लिखा आर वन दैट इज 25 मल्टीप्लाइड विद 50 आर टू डिवाइडेड बाय 25 प्लस 50 दैट इज 75 ना, पता चल गया। आर ए बी, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा? दैट विल बी 3, सो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 3 ओम, रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा? वी ए बी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर ए बी, करंट देखो शो हो रहा है कितना है 0.03 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद आर ए बी दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल 0.01, 0.01 मल्टीप्लाइड विद 50 दैट विल बी 0.5 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हो गया। जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऑप्शन कौन सा चूज करना है? डी ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन ये तो बोल रहा है ना, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू पॉइंट इन द गिवन सर्किट, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा आपको। बहुत सिंपल सा तरीका है, कैसे? अगर मैं सर्किट के अंदर टोटल करंट को कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। या फिर आप देखेंगे ये सारा का सारा सीरीज का मामला है बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है, वोल्टेज 48 वोल्टेज है, और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक, सीरीज में आपको अगर किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो लेट सपोज कीजिए मैं इस वाले रेजिस्टेंस को लिख देता हूं R1, इस वाले रेजिस्टेंस को लिख देते हैं R2, इस ऊपर वाले को जो 80 ओम दिखाई दे रहा है इसे हमने लिख दिया R3 और इसको लिख दिया R4, और हमें R4 के अक्रॉस क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन तो बहुत सही है, तो हमने बोला पी और क्यू हमें अगर चाहिए तो इसका सिंपल सा तरीका है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, करंट निकल गई। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको? जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज 20 ओम, और वो है कौन सा? R4। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। V की वैल्यू कितनी है? 48 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करो, 100 प्लस 100 200, और ये तो 300 हो गया ना, 80 प्लस 20 100 हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 300 हो गया, 300 मल्टीप्लाइड विद R4, R4 इज ऑफ 20 ओम, यही होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये 15 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 से कैंसिल हो रहा है मेरे हिसाब से, 3 1 3 एंड 3 6 18, और इसको 5। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू विल बी 16/5 volt, एंड दैट विल बी नियर अबाउट 3.2 voltage। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पता चल गया, सिंपल था नहीं था? था ना सिंपल? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सामने वाले क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी ब्रांच से जो करंट पास हो रही है आई, उसे कैलकुलेट करना है। और अगर आप देखेंगे तो दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, क्योंकि यहां से करंट गई, यहां पे दो पाथ में डिवाइड हुई, लेकिन यहां पे वापस से सिंगल करंट बन गई। तो मतलब जितना करंट फ्लो हो रही थी वो यही है, नेट करंट है आई, आपको नेट करंट निकालना है। नेट करंट का सिंपल सा तरीका यही होता है, आपके पास में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी से अप्लाई हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो V डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू द नेट करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। ठीक है, यही होगा। चलिए अब इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको देख देख के पता चल जाएगा कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो हमने बोला 1 एंड 1 सीरीज में जा रहे हैं, 2 ओम, ऊपर 2 ओम आया, नीचे 2 ओम पैरेलल में, ये दोनों 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में। अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, जैसे इधर आर है इधर आर है, तो आंसर लिख दीजिएगा R/2, अगर पैरेलल में है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 1 ओम। तो पूरे को हटाओ, पूरे को हटाओ और कितना लिख दो? 1 ओम लिख दो। पता चला, तो हमने इस पूरे को हटा दिया और पूरे को हटा करके सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का। ठीक है, चलो नीचे देखो, 2 एंड 2 4 ओम, इस तरफ 4 और इस तरफ 4 पैरेलल में, तो हाफ कर दो, पैरेलल में है तो हाफ कर दो, R/2 कर दो, तो 4 का हाफ कितना होता है? 2 ओम होता है क्या? ये लो, ये कितना हो गया? 2 ओम हो गया। ठीक है, अब 1 और 2, अब ये देखो ये सीरीज में दिखाई देगा, सीरीज में टोटल कितना हो गया? 3 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम, टोटल वोल्टेज 6 वोल्टेज, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, अरे यही तो होगा ना, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 2 एम्पियर इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू ए बी ब्रांच। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो ये तो सिंपल सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अगर आप सर पढ़ पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है? आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर हमने एक भी रेजिस्टेंस सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया, क्योंकि निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही रेजिस्टेंस को अच्छे से कैलकुलेट कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैं बोलूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही चूज करो, उसी से ही आंसर हाथों हाथ निकलेगा। देखो विद इन 15 सेकंड आप काम कर सकते हैं, समझाने में मेरे को एक मिनट लग सकता है। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहां पर, ये रेजिस्टेंस देखिए, ये और ये तीनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है भाई। ठीक, ऐसे यहां पे और यहां पे इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हो, तो इसका मतलब ये एक ही पॉइंट है। तो इसको उठा करके अगर आप ऐसे भी कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इसको उठा करके आप ऐसे भी कर दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ उलझाने के लिए किया था। अब क्या खास बात है, अगले ने इतनी समझ दिखाई है हमें कि यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस है और उससे 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है, तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कितना आएगा भाई, I इंटू आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी पॉइंट वी ए बी दैट विल बी व्हाट बच्चों, क्या होगा देखो, 20 इंटू 1 दैट विल बी 20 वोल्ट। बताओ आएगा नहीं आएगा, आ गया। चलो अगर ये 20 वोल्ट आ गया है तो मेरे पास में एक सिंपल सा तरीका बचा, क्या मैं बोलूंगा, ये देखो करंट कितनी जा रही है, 0.5 एम्पियर करंट जा रही है, 0.5 एम्पियर करंट है, वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना है, कितना 20 वोल्ट है। बताओ R2 आएगा नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सर्किट और पर्टिकुलर पाथ। वी ए बी की वैल्यू कितनी है, वी ए बी की वैल्यू हमने लिखी 20, आई की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 कहाँ गया, ऊपर की ओर गया 2। चलो कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 40 ओम आएगा, दैट इज R2। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें 40 ओम हो, ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा है 40 ओम वाला, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बुक में देखता हूं तो 40 ओम वाला एक ही दिख रहा है मेरे को, कितना बच्चों, फर्स्ट वन ए। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, तरीका बता देता हूं किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए आप सर्किट में टोटल करंट को सबसे पहले कैलकुलेट करो, किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो यहां से 1 एम्पियर जा रही है, यहां से 0.5 एम्पियर, इसी से तो निकालनी है ना करंट, और फिर तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने बोला इससे कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, तो इससे जो करंट पास होगी वो होगी 20/10, वी डिवाइडेड बाय आर करो, दैट इज 2 एम्पियर। अब गौर कीजिए, 1 एम्पियर यहां से, 2 एम्पियर यहां से, 0.5 एम्पियर यहां से, टोटल करंट कितनी हो गई, 1+2+0.5, I1+I2+I3 टोटल करंट कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी 3.5 एम्पियर, दैट इज टोटल करंट, दैट इज टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा। चलो उस टोटल रेजिस्टेंस में से इनका रेजिस्टेंस हटा दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज ऐसा ना करो तो चलो एक और तरीका बताता हूं। क्या तरीका है, VAB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट है, तो बच गया पोटेंशियल किसके पास में जाएगा, इसी के पास में जाएगा, तो ये, हाँ ये सिंपल पड़ेगा, 29-20 दैट विल बी 49, यही है, और 49 पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट कितनी पास हो रही है 3.5 एम्पियर, 49 में 3.5 का डिवाइड लगा दीजिएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, डन है। चलो करें क्या, 49/3.5 ऐसा कर सकता हूं क्या, पॉइंट को हटा करके ऊपर ले गए, 7 से देखो, 7 जा और 7 जा, और ये 2 × 14 ओम, देख लीजिए R1 की वैल्यू 14 ओम ही है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको यही बता रहा हूं कि अगर एक सही कैलकुलेट कर लिया तो हमें दूसरे को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही होना ज्यादा जरूरी है, हमें ये थोड़ी दिखाना है कि मेरे को सॉल्यूशन पूरा आता है, एक भी निकल गया तो काम बैठ जाएगा। चलिए ऑलराइट, पता चल गया, ओके मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक तो आप देख रहे हैं बच्चों
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो लगभग सभी में आया है, स्टेट बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई में भी आया है, नीट में भी आया है, सीईटी में भी आया है, मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम में भी आया है, मेडिकल एग्जाम में भी आया है, तो बोर्ड एग्जाम में भी आया है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा गया था, नीट में या फिर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था। देखिए क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ एक्सरे ट्यूब इज 5 kV। पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है कितना, 5 kV, ठीक है। द करंट थ्रू इट इज 3.2 mA, करंट भी दे रहा है 3.2 mA, डन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इसका मतलब n इज क्वेश्चन मार्क। आगे और चलो, स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, n डिवाइडेड बाय t पूछ रहा है, थोड़ा सा सही करे तो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलेटेड क्वांटिटी है किससे, करंट से। I इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय t, सो q कैन बी रिटन एज n e डिवाइडेड बाय t। बताओ वे लिख सकते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, n बाई t कैलकुलेट करना है, सो n बाई t इज इक्वल्स टू i डिवाइडेड बाय e, डन। व्हाट इज i, दैट इज 3.2 mA, 3.2 × 10⁻³। व्हाट इज e, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹। नाउ यू कैन सॉल्व इट, दैट इज 2, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या, तो 2 × 10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द टारगेट पर सेकंड। ठीक है, आंसर पता चल गया कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, टू वायर्स ऑफ सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट द डिफरेंट रेजिस्टिविटीज रो वन एंड रो टू रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये देखो क्या बोल रहा है, दो वायर है, दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है, एक की रो वन है दूसरे की रो टू है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया, ठीक। और वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो एक सिंपल सा डायग्राम हम बनाते हैं, ये पहला वायर और ये दूसरा वायर, बताओ दिख रहा है सीरीज के अंदर, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और अगर दोनों की अलग अलग लेंथ देखते हैं तो वो भी क्या है, एल ही है, ऐसा ही देखा जाएगा, लेकिन एक की रेजिस्टिविटी रो वन है और दूसरे की रेजिस्टिविटी रो टू है। क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आईआईटी में पूछा गया था। जो सेकंड क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो बच्चों बोर्ड क्वेश्चन का भी, बोर्ड क्वेश्चन भी है। तो ये समझिए, अगर मैं इस वाले वायर का रेजिस्टेंस आर वन मानता हूं, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस आर टू मानता हूं, और पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर या फिर आर इक्विवेलेंट मान ले, तो पूरे वायर की अगर आप बात करोगे तो पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए ही है, लेकिन पूरे वायर की लेंथ कितनी है, दैट इज 2L, है ना, फॉर एंटायर वायर। पूरे वायर के लिए अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ 2L है। इस वाले वायर के लिए बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ L है। इस वाले वायर के लिए बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही है, लेंथ L है। ये क्लियर है। चलिए, तो आर वन की वैल्यू अगर हमें लिखनी पड़े तो आर वन इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए और रो वन, आर टू की वैल्यू लिखनी पड़े तो दैट विल बी रो टू एल डिवाइडेड बाय ए, यही होना चाहिए। चलिए, अगर आर इक्विवेलेंट लिखना पड़े या फिर आर ही लिखना पड़े, आर इक्विवेलेंट और आर सेम मान रहे हैं, तो वो क्या होगा, रो इक्विवेलेंट होगा। लेंथ देखिए, लेंथ कितनी है उसके लिए, 2L है, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने सामने लिख दिया है, क्या भाई सीरीज में है ना, इसलिए आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू फॉलो होगा ही होगा। आर या आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है रो इक्विवेलेंट 2L डिवाइडेड बाय ए, क्लियर हुआ इतना, इज इक्वल्स टू आर वन दैट इज रो वन एल डिवाइडेड बाय ए प्लस रो टू L डिवाइडेड बाय A, होपफुली आपको दिखाई दे रहा है।
एल डिवाइडेड बाई ए को कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी रो वन प्लस रो टू, एंड हियर इट विल बी रो इक्वलेंट एंड टू एल डिवाइडेड बाई ए. सो ए विल कैंसिल ए एंड एल विल कैंसिल एल. फाइनली वी विल गेट रो इक्वलेंट इज इक्वल्स टू रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाय टू, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए अब इससे कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. कंडक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो यहां से हमने सॉल्व करना चालू किया, वन अपॉन सिग्मा इक्वलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिग्मा वन प्लस वन अपॉन सिग्मा टू, और बाहर अगर आप देखोगे तो वन बाई टू का डिवाइड चल रहा है. ठीक है, एलसीएम जल्दी से लो, टू सिग्मा वन सिग्मा टू, और ये ऐसा जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू. बताओ भाई आएगा नहीं आएगा. तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, टू सिग्मा वन सिग्मा टू डिवाइडेड बाय सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू. डन, पता चला. दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं. ठीक, उम्मीद करता हूं पता चला. क्या ध्यान में रखना है, R1 और R2 की वैल्यू को निकालना है, फिर R इक्विवेलेंट को जस्ट डिफाइन करना है, और उसके बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व होकर ही रहेगा. ठीक है, उतारो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो. अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये. क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर यू एंड क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर रहे हैं. एक बार के लिए मैं देख लेता हूं, कैमरा शायद ब्लिंक कर गया है. ओके, ठीक है, चलिए क्या हो रहा है देखो. क्या बोल रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल करंट निकालनी है आई. 12 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 11 वाला आपको सॉल्व करना है. मेरे हिसाब से कर सकते हो, सारे रेजिस्टेंस 24 ओम के हैं, स्टार्टिंग के 2 पैरेलल में, फिर अगले वाले पैरेलल में, और फिर लास्ट वाले 4 जो हैं वो भी पैरेलल में हैं. क्या होगा, आर बाई एन का कॉन्सेप्ट लगाना और फिर सीरीज में सभी को ऐड कर देना. ठीक है, बहुत सिंपल है, वो तो अपने सॉल्व किया था वैसा. चलिए अब देखो इसके अंदर करंट आई कैसे निकालेंगे. सिंपल है बच्चों, पहले तो ये देखो कि सीरीज में कौन से है, पैरेलल में कौन से है. सिंपल सा तरीका, एक ही लाइन से जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं ना, उनको सेम पोटेंशियल पे डाल दो. तो मैं बोल रहा हूं ये वाला एक पॉइंट मैंने ले लिया ओ. ठीक है, एक पॉइंट में यहां पर बना रहा हूं ए. तो अगर ये ए है तो इधर वाले सारे यहां तक ए ही है. फिर ए इधर रेजिस्टेंस आ गया तो मतलब अब दिक्कत हो गई है. तो ये वाला पोटेंशियल ए नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस आ गया ना बीच में, तो मतलब यहां पे कुछ ना कुछ करंट का लॉस हुआ, पोटेंशियल चेंज हो गया. तो ये वाला पॉइंट अपन ने मान लिया बी, और बी कनेक्टेड है इससे, तो मतलब बी का पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है. ठीक है, अब आपको क्या देखना है, तो हम बोलेंगे ए से लेकर बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस देखना है, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड पॉइंट तो ए और बी ही है. तो इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस देखिए. तो हमने देखा ओ और ए, ओ और ए के बीच में दो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों किस में कैलकुलेट होने चाहिए बच्चों, किस में होने चाहिए, पैरेलल में सॉल्व होने चाहिए. फिर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ओ और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है. तो देखो हमारा सिनेरियो क्या रहा, बैटरी के जस्ट पास वाला पॉइंट है ए, और बैटरी के दूसरी तरफ वाला पास वाला पॉइंट है बी. ठीक है, ए बी, और एक पॉइंट कहीं ओ है. ठीक, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि ओ से लेकर ए तक कितने रेजिस्टेंस हैं. तो आंसर है दो रेजिस्टेंस हैं, एक और ये दो बना दिए मैंने. कौन कौन से वो आपको देख लो, एक है 2 ओम का है और एक है 6 ओम का. ठीक है, ओ से लेकर ए तक का हो गया. ओ से लेकर बी का भी एक रेजिस्टेंस है, कितना, 1.5 ओम का. फिर ए से लेकर बी का भी एक रेजिस्टेंस है, कितना, 3 ओम का. हुआ क्या, और ये ए और बी पॉइंट किससे, एक बैटरी के प्लस से और एक बैटरी के माइनस से कनेक्टेड. इतना ही है, 6 वोल्ट की बैटरी लेगी ये करंट निकाल सकते हैं. टोटल रेजिस्टेंस निकालो पहले. 2 और 6 को देखो पैरेलल में है क्या, तो हमने इन दोनों को, अब देखो मैं कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के तरीके से काम कर रहा हूं. तो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 दैट इज 8, क्या हो जाएगा, 4. इसको देखेंगे तो ये आएगा 3 बाय 2 दैट इज 1.5. तो इन दोनों को सॉल्व किया,
है ना, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व किया और कितना आएगा 1.5 यहां है, 1.5 यहां है, सीरीज में है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यहां पर और 3 यहां पर, है ना, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, क्या हो जाएगा पैरेलल में है, हाफ कर दो 3/2, तो R equivalent is equals to what 3/2, टोटल पोटेंशियल अप्लाइड इज, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 6 वोल्ट, करंट I विल बिकम V डिवाइडेड बाय R, 6 / 3/2 दैट इज 4 एम्पियर टोटल करंट, ठीक है, आंसर कितना आएगा बच्चों 4 एम्पियर लगा लीजिएगा, 11 वाला तो हो गया होगा अब तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस चीज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए फाइनली एक आध क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ये उतार लिया। देखिए बच्चों दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ इस तरफ देख रहे हैं तो आपको बोल रहा है कि आपके पास में जो गिवन कॉम्बिनेशन है उसमें 6 रेजिस्टेंस जो है वो जिस तरीके से दिखाए वैसे कनेक्टेड है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, इसी के साथ में और क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको दो ऐसे पॉइंट देखने हैं जिनके बीच में अगर आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, यही मिलेगा। चलिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करेंगे, अगर ये इक्वल रेजिस्टेंस है और मैं सभी को स्मॉल आर मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा इनका इक्वलेंट R/3, ठीक, इनका इक्वलेंट कितना हो जाएगा R/2 और इसका इक्वलेंट तो आर ही है। अगर मेरे को मिनिमम देखना होता रेजिस्टेंस तो मैं सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस के अक्रॉस काम करता, इन दोनों पॉइंट को चूज करता, और अगर मेरे को मैक्सिमम देखना है रेजिस्टेंस तो मैं मैक्सिमम वाला रेजिस्टेंस देखता जो कनेक्टेड है उसके अक्रॉस काम करता। अभी हमें क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है तो कौन सा चूज करेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो यही था ना, तो कौन सा पॉइंट चूज करोगे, पी और क्यू, है ना, वी नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पी एंड क्यू, That is the only situation when we will get the maximum resistance. ठीक है, डन हुआ। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे मैंने वैल्यू नहीं लिख रखी है, वैल्यू 1 ओम है, वैल्यू इज 1 ओम, ये सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं और ये 1 ओम लिखा हुआ है बच्चों, 1 ओम देख लीजिएगा। अब आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, देखो जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना का उतना पोटेंशियल यहां पर भी होगा। मैंने आपको ये तो बताया था ना, सीरीज और पैरेलल वाला देखो कि कौन कौन सा कैसे कनेक्टेड है, तो इनको एक बार के लिए हटा दो, इसको एक बार के लिए हटा दो, इनको मैं R1 R2 R3 R5 तक ऐसा लिख लूंगा क्योंकि 5 रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पर अगर पोटेंशियल x है तो यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा x, या फिर आप इसे a लिख लो, तो ये ए है तो यहां पर भी ए वाला ही पोटेंशियल है, अगर ये बी है तो यहां पर भी बी वाला ही पोटेंशियल है। अब ये दो पॉइंट और रह गए, इन वाले पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया सी, ठीक है इतना काम। चलिए अब गौर करो, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 1 और 2 रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों तो पैरेलल होंगे, किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में, ठीक है, ये पॉइंट सी मान लीजिए और ये पॉइंट ए मान लीजिए। फिर देखो सी और बी के बीच में भी कोई रामायण है क्या, तो बिल्कुल है, सी और बी के बीच में भी 2 रेजिस्टेंस है। चलिए ये दोनों पैरेलल कीजिए, ये सी इधर और बी इधर, पैरेलल में कौन कौन सा हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में भी 1 रेजिस्टेंस फंस रहा है, फंस रहा है क्या, ये ए इधर रहा बी इधर रहा, सिनेरियो पता चला। चलिए तो अब सॉल्व कर लीजिए, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, कैसे सॉल्व होगा, 1 और 1 1/2, 1 और 1 1/2, ठीक है, 1/2 और 1/2 सीरीज के अंदर, 1/2 और 1/2 सीरीज के अंदर 1 ओम हो जाएगा क्या, तो पूरे को हटाओ 1 ओम लगाओ, ऊपर 1 ओम है नीचे 1 ओम है, कितना हो जाएगा 1/2 ओम, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई नहीं आई देवताओं, हैं, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, जल्दी से काम कर दिया, इसको हटाया, इसकी जगह कितना लिखा 1/2, 1/2, फिर इन दोनों को हटाया 1/1 ओम के और इनकी जगह कितना लिखा 1/2,
ठीक, 1/2 ओम और 1/2 ओम सीरीज में है। अगर ये सीरीज के अंदर है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड किया तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्या ये 1 ओम ऊपर, ये 1 ओम नीचे, वापस से कितना आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1/2 ओम। डन हुआ। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है, जो हमने आज सॉल्व किए, ऑल एंड ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे अब वो बेसिक क्वेश्चन में आ गए हैं। देखो, ये अब आपका स्टैंडर्ड नहीं रहा, हमारा स्टैंडर्ड अब इससे हाई जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कॉम्बिनेशन को बहुत खतरनाक तरीके से समझेंगे और हम बोलेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड अगर सर्किट भी आ जाएगा ना तो भी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। वहाँ हम मिरर सिमेट्री को देखेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री को देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सिंपल सर्किट हो गए हैं अब आपके लिए, ये सर्किट आपके लिए बहुत सिंपल सर्किट है जो अब आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए थे लेकिन अब ये बोर्ड एग्जाम के लेवल के रह गए, इससे ज़्यादा का लेवल नहीं है इनका, ठीक है। चलिए, तो हमें अब इससे बहुत ज़्यादा हाई तैयारी करनी पड़ेगी। आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।